आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं मैगी। सही सुन रहे हो, मैगी। लेकिन हम उस तरीके से नहीं बनाएंगे क्योंकि यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पर हर जगह बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मैगी को कोई कोका कोला के साथ बना रहा है, कोई स्टिंग के साथ, कोई किसी के साथ। तो मैं ज्यादा पीने लग गया था, हम भी इसी ट्रेंड के अंदर हाथ धो ही लेते। तो इसलिए हम आज माउंटेन ड्यू मैगी बनाने वाले हैं। ये मेरे हाथ में माउंटेन ड्यू और ये मेरे हाथ में मैगी। अब इसमें ज्यादा कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे मैगी बनती है पानी की जगह हम उसको डालेंगे और फिर देखते हैं इसका क्या टेस्ट आता, ठीक है। और मैं सबको रियल बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा कैसे लगती है। मार्केट में जैसा बेंडा बना रहा है, अगर आपको जाकर ट्राई करेंगे झूठ नहीं, फिर अगर मैं बता दूंगा, रिव्यू दे दूंगा कैसा बना है, ठीक है। सारे मिलकर हमको पागल बना रहे। तो फटाफट हम इसको बनाना चालू करते हैं। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपके लिए हम ऐसी क्रेजी चीजें करते रहते। तो ये रही फाउंटेन ड्यू और इसको मैं डायर खाली करा उसके अंदर। ये कर दिया गैस चालू। ओह गैस है इसके अंदर। ओ भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देख लो लाइव आपके सामने बना रहा हूं मैं, पानी वानी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने फाड़ दी इसको और ये इसके अंदर डाल दी। काफी लग रही है इसे और जरूरत नहीं माउंटेन ड्यू की, क्योंकि लगभग मैगी में इतने पानी डाला जाता है। तो ये रहा मैगी का मसाला और इसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। मैगी का मसाला का सब बिल्कुल डल चुका है। अब इसको अपन नॉर्मल जैसे मैगी बनती है वैसे मैं जरा इसको मिक्स कर लूंगा, फिर ढक के फिर देखते हैं 2 मिनट बाद क्या हाल होता है, ठीक है। फिर सर टेस्टिंग वगैरह रिव्यू सब करेंगे, टेस्ट करने के बाद कैसा लगता है, ठीक है। अभी जरा इसको, तो ये रहा चमचा और इससे मैं जरा इसको मिक्स करके देख लेता हूँ कैसे क्या हो रहा है। शीट इसके अंदर बंबू आ रही खतरनाक वाली। नॉर्मल मैगी की तरह पता नहीं क्यों अलग ही जलने की आ रही है। पता चलेगा टेस्ट करने के बाद कैसा बना है, ठीक है। अभी जरा इसको मिक्स करते हैं। तो हमने बिल्कुल इसको मैगी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ना है। इसको मैं ढक रहा हूँ इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से, ठीक है। और गैस को हल्का तक कम कर लेते हैं और फिर इसके बनने के बाद क्या हाल होता है, ठीक है। और तब तक के लिए आप मैं आपको टाइम देता हूँ, प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया हो तो अब तक, ठीक है। तो यार हम यहाँ पे खड़े थे, हमें कुछ ध्यान नहीं रहा और ये जल चुकी है, इसके अंदर धुआं निकला और उसके बाद अब देखते हैं इसका क्या हाल हुआ है। शिट यार बदबू आ रही है इसके अंदर धुआं। तो पैसा बर्बाद पे। ये तो बिल्कुल ही एकदम चाशनी चाशनी जैसे हुई है, मतलब होती ना मीठे घेवर वगैरह कुछ बनाते हैं वैसे हुई है बिल्कुल। मिरेकल मिरेकल। इसके अंदर नीचे चाशनी की तरह कुछ बैठ गया ये। अरे सीन कैसे हो गया, भगवान ने चल चुकी है। फिलहाल इसको हम इसको बाहर निकालते हैं और देखते इसका टेस्ट ऐसा आ रहा है। और अब आपके सामने लाइव इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लगी, ठीक है। तो ये है अपनी माउंटेन ड्यू मैगी। देख लो नॉर्मल मैगी से बिल्कुल अलग बनी है, क्योंकि इसका कलर देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर नॉर्मल मैगी हम बनाते हैं ना उसका कलर बिल्कुल अलग होता है। उसका कलर आप बिल्कुल जूम से देखो, उसको इसका कलर देखो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बिल्कुल खाली पीला पीला कलर आया है ऐसा। तो मुझे लगता है कि कुछ फर्क तो उसने पड़ा होना चाहिए। अब टेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिल्कुल बकवास है यार, इसके अंदर कड़का टेस्ट आ ही नहीं रहा है। इसके मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है और अलग से कुछ अजीब टेस्ट आ रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल ही कचरा बन चुकी है, समझ जाओ गया। बिल्कुल बकवास नहीं की ये। तो गाइस ये इंस्टाग्राम पे ट्रेंड वगैरह चलते आपको पागल बनाने के लिए बनाए जाते हैं। आप फालतू जगह कभी ट्राई मत कीजिएगा ऐसा फालतू चीजें, नॉर्मल मैगी नॉर्मल घर पर बना के खाओ वो बेटर है। तो ये है हमारे जज जो कि बताएंगे कैसे बनाया मैंने, ठीक है। जज साहब हमको रेटिंग दीजिएगा कैसे बनाई मैंने, जल्दी टेस्ट कीजिएगा और सच्चा रिव्यू देना कैसी लग रही है आपको, ठीक है। अरे बता के जा कैसी बनी है, कैसी बनी है।
एकदम बकवास बन गई। नहीं लग कैसे रही है? अरे ओवर एक्टिंग की दुकान सीधे बड़ा टेस्ट कैसा आ रहा है? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या टेस्ट आ रहा है, मतलब कैसे लग रही है? मीठा मीठा टेस्ट, अजीब टेस्ट। तो इसका रिव्यू मैंने दे दिया है, कितने नंबर दोगे मेरे को? क्या सब फेल हूँ मैं? आप अच्छा चलो ठीक है। ऐसा मत बोलना कि मैंने जूता खिला दिया, ये मेरी सिस्टर है इसलिए मैंने इसको खिलाया, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा है सब समझ गया होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, और गाइस मैं फिर से प्रेफर करूंगा कि आप इसको ट्राई मत करना, बिल्कुल बकवास हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।